मंच पर उपस्थित सम्मान्य वेंकैया जी, आदरणीय विजय कुमार जी, श्रीमान रामलाल जी, थावरचंद जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यूनिट के अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, पार्टी के महासचिव श्री भूपेंद्र जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधु भगिनी, सबसे पहले तो पार्टी के स्थापना दिन पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 6 अप्रैल 1980 के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और तब से हम पार्टी के स्थापना दिन को मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन मनाने के वक्त हम सबके लिए बहुत जरूरी है मित्रों कि हम थोड़ा पीछे चले जाएं और ये सोचे कि पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी, ये पार्टी क्यों अस्तित्व में आई और पार्टी कैसे चली और पार्टी को आगे क्या करना है। अगर ये तीनों बातों को हम ठीक से समझ लेते हैं तो आज देश के राजनीतिक परिदृश्य में जिस पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने में हमें बड़ी सरलता महसूस होगी और हम ठीक से हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा दो हिस्सों में बटी हुई है, जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, बीच में एक छोटा सा कालखंड जनता पार्टी का भी आता है जिसमें जनसंघ के सभी सदस्य जनता पार्टी के हिस्सा बने थे। जनसंघ की स्थापना अभी बाहर प्रदर्शनी लगाई है 1991 ही हुई, कुछ लोगों ने मतलब 10-11 युवाओं ने श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना की, वहां से लेकर वो 10-11 युवाओं से लेकर 10 करोड़ का परिवार हमारा आज बना है। ये यात्रा मैं भरोसे से कहना चाहता हूं ये यात्रा दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों की यात्रा में सबसे रोमांचक और सबसे संघर्षपूर्ण यात्रा रही है। इसका मुझे आनंद है क्योंकि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूं जिस पार्टी ने देश के भले के लिए, देश की समस्याओं के लिए, देश की समस्याओं के निवारण के लिए न केवल कार्यक्रम बनाए, संघर्ष किया और उसके निवारण के सत्ता पर पहुंचकर आज उसके निवारण के लिए भी हम कार्यरत हुए हैं। ये तीनों स्टेज शायद ही किसी पार्टी के भाग्य में आए होंगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना के वक्त देश में एक अजीब प्रकार का माहौल था। आजादी के तुरंत बाद देश कांग्रेस की नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था और उस वक्त कुछ लोग देश के लिए जो लंबा सोचते थे, ठीक से सोच सकते थे, उन्होंने देखा कि देश की नीतियों की नींव पाश्चात्य विचार के आधार पर रखी जा रही है, चाहे वो देश की विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, औद्योगिक नीति हो, कृषि नीति हो या बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा नीति हो, इसकी नींव पाश्चात्य विचारों के आधार पर रखी जाती। देश की नींव जिस नीतियों के आधार पर रखी जाती थी उसमें कहीं पर भी इस देश की माटी की सुगंध नहीं थी, ये देश के मूल विचारों का स्थान नहीं था। और उस वक्त वो मनुष्यों को लगा कि देश अगर इस लंबे समय तक इस रास्ते पर चला तो देश भटक जाएगा और देश अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। देश को दुनिया में सम्मान दिलाने का, दुनिया का नेतृत्व करने का सामर्थ्य होने के बावजूद वो जगह पर देश नहीं पहुंचाएगा। इसलिए एक नया विचार लोगों के सामने रखने के लिए, एक नई सोच लोगों के सामने रखने के लिए, ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक इस तरह से होना चाहिए, ऐसा विचार मात्र रखने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था
कि भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी कभी इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। उस वक्त तो आशा सिर्फ इतना था कि इस देश की नीतियों को एक अलग विचार रखकर प्रभावित करें, एक अलग सोच सोचने के लिए इस देश के मीडिया के सामने, इस देश के लोगों के सामने, इस देश के चिंतकों के सामने रखे और नीति निर्धारक जो देश के बने हुए हैं उनके आत्मा को जागरूक करने का एक विनम्र प्रयास जनसंघ के माध्यम से किया था। उस वक्त किसी को खबर मालूम नहीं था कि जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को इतना यश मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा, इतनी लोक स्वीकृति मिलेगी। मगर हमारे जो पुरखे थे, उस वक्त हमारे जो नेता थे, उन्होंने बहुत कड़ा परिश्रम किया, हर चीज का छोटा 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 विचार कर कर। उनको मालूम नहीं था कि हम जो सिद्धांत बना रहे हैं, हम जो नीतियां बना रहे हैं, उस पर देश कभी चलेगा या नहीं चलेगा उसकी परवाह करे बगैर चिंतन करते 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 हर क्षेत्र में भारतीय जनता जनसंघ का एक निश्चित विचारधारा बनाने का काम दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में हुआ और वो मंथन, वो चिंतन एकात्म मानववाद के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ। मित्रों, 50 साल पहले बना हुआ ये चिंतन आज इतना ही सांप्रत है। मैं बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं, एकात्म मानववाद का चिंतन शाश्वत है, एटर्नल है, वो कालजयी है, कभी कालबाह्य नहीं होने वाला। मित्रों, इस चिंतन के आधार पर न केवल हिंदुस्तान, न केवल भारत, पूरे देश का कल्याण करने की क्षमता एकात्म मानववाद के चिंतन के अंदर पड़ी है और वो चिंतन हमारे मूल विचार का आधार है। और हमें गौरव होना चाहिए कि हम ऐसे चिंतन को लेकर चलते हैं जो देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, दुनिया के कल्याण अंतरिक्ष तक की विचार करने वाला ये चिंतन हमारे काम का आधार बना है। और इसीलिए धीरे 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 50 साल में मित्रों हमें ये सफलता मिली है। मित्रों, कोई भी पार्टी को अगर समझना है, पार्टी कैसी है इसका मूल्यांकन करना है, पार्टी कैसी है इसके बारे में एक मत बनाना है, तो तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यक्रम। ये तीन चीजों के आधार पर ही पार्टी का मूल्यांकन किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की आज तक की यात्रा, 1951 से 2014 तक की यात्रा, आज पूरे विश्व के सामने इस तीनों चीजों के लिए मूल्यांकन करने के लिए खुली पड़ी है। और मुझे भरोसा है कि जब समय इस चीज का मूल्यांकन करेगा, दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च स्थान लिए बगैर किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी शुद्ध भारतीय चिंतन के आधार पर अपने सिद्धांत बनाने वाली पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद का चिंतन और पंच निष्ठाओं का भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय हमने जो घोषणा किया, इसके आधार पर हमारी पार्टी चली और इसमें कहीं पर भी कोई छोटा विचार नहीं। ये हमारे सिद्धांतों के अंदर कोई छोटा विचार नहीं है। इस सिद्धांतों के अंदर देश के, पूरे देश के समुचित सर्वसमावेशक विकास का विचार रहा है। देश के हर तबके पर, समाज के हर व्यक्ति के लिए, अंत्योदय से लेकर समाज के सबसे बड़े व्यक्ति के लिए इसके अंदर जगह है। इतना व्यापक चिंतन भारतीय जनता पार्टी का है। और मित्रों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, विचारधारा के बीच में कोई अंतर एक सेंटेंस में समझाने का प्रयास करने को मुझे कहेगा तो मैं बड़ी सरलता से समझाने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस जब देश आजाद हुआ तब कहती थी कि देश का नव निर्माण होना चाहिए, जो पुराना है वो काम का नहीं है, पुराना था वो विफल रहा है, इसलिए उसको बदल डालिए और नया बनाइए। हम कहते थे देश का पुनर्निर्माण होना चाहिए, पुराना था वो श्रेष्ठ था, और श्रेष्ठ को स्वीकार करिए और देश को आगे ले जाइए। ये नवनिर्माण और पुनर्निर्माण, ये दो शब्दों के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का अंतर दुनिया को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। उसके बाद में जनसंघ की स्थापना के बाद
हमारे नेता जनसंघ के विस्तार में लगे। मैंने कहा पहले सिद्धांतों से पार्टी का परिचय होता है, बाद में नेताओं से पार्टी का परिचय होता है। मित्रों, हम सब बहुत 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 किस्मत वाले कार्यकर्ता हैं जिसको एक ऐसा नेतृत्व की परंपरा मिली है जिसके जीवन में त्याग ही त्याग था, जिसके जीवन में त्याग के अलावे कुछ। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जानों का बलिदान दिया, जीवन का बलिदान दिया। उसके बाद में अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, भाई महावीर त्यागी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाशपति मिश्र, जगन्नाथ राव जोशी, राजमाता सिंधिया, हजारों हजारों कार्यकर्ता ऐसे निकले जिनको अपने जीवन में और कुछ करने की ना सूझ थी ना बुद्धि थी। पूरा जीवन पार्टी के लिए, पूरा जीवन विचार के लिए, पूरा देह समर्पित किया। जीवन की क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस देह पार्टी के लिए समर्पित किया, इस विचार को यश दिलाने के लिए। आज कुछ लोग बात करते हैं सादगी की, आज कुछ लोग बात करते हैं आम आदमी होने की। मैं उनको बताने चाहता हूं कि हमारे पास तो ऐसा नेता थे जिनके जन्म से मृत्यु ले तक कभी बैंक अकाउंट ही नहीं गया। हमारे पास ऐसा नेता थे जिनका जीवन में कभी घर नहीं बना, कार्यालय को ही घर बनाकर चले, जिनके जीवन में कोई परिवार नहीं रहा, देश का परिवार ही उनका परिवार रहा, पूरा जीवन रखा रखा। मगर मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने कभी इसका मार्केटिंग नहीं किया। ये मार्केटिंग का विषय नहीं है, त्याग बनाने की चीज नहीं है, त्याग तप सिद्धि के आधार पर देश के सिद्धि के रूप में देश की समस्याओं के निवारण का एक यशस्वी मार्ग है। त्याग बुनाने की चीज नहीं, और ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी त्याग को बुनाने की दुष्टता करनी चाहिए, गलती करनी चाहिए। ये हमारे नेताओं ने हमें सिखाया। इस प्रकार का नेतृत्व, ओजस्वी नेतृत्व, समर्पित नेतृत्व, सादगीपूर्ण नेतृत्व, विचारवान नेतृत्व, चिंतन कर सके ऐसा नेतृत्व देश की शायद ही किसी एक पार्टी में होगा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हम सब मित्रों, हम सब बहुत भाग्यवान है इस प्रकार का नेतृत्व हमें मिला है। श्यामा प्रसाद जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक और दीनदयाल जी से लेकर आज देश भर में पहले हजारों प्रचारकों तक जिन लोगों ने अपने जीवन का अधिष्ठान तप को बनाया है, ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मित्रों, सिद्धांतों के बारे में ये पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी रही, नेतृत्व के बारे में ये पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी रही। और पार्टी की स्थापना से आज तक आप कार्यक्रम देखिए इस पार्टी के, एक भी कार्यक्रम पार्टी के नेता के महिमा मंडन का कार्यक्रम नहीं है, एक भी कार्यक्रम पार्टी के महिमा मंडन का कार्यक्रम नहीं है, एक भी कार्यक्रम पार्टी के विस्तार का कार्यक्रम नहीं है। हर एक कार्यक्रम की नींव, हर एक कार्यक्रम की सोच शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद पर आधारित सोच रही है। मैंने देखी है पार्टियां जो कार्यक्रम की रचना करती है अपने नेताओं का महिमा मंडन करने की, मैंने देखी है ऐसी पार्टियां जो कार्यक्रमों की रचना करती है अपने काम का विस्तार करने के लिए। मैंने देखी है ऐसी पार्टियां जो कार्यक्रमों की रचना करती है सत्ता को पाने के लिए। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आंदोलन किए, मित्रों आप याद करिए, कच्छ बचाने का आंदोलन, गोवा का सत्याग्रह, कश्मीर बचाने का आंदोलन, धारा 370 के खिलाफ आंदोलन, गौ हत्या पर प्रतिबंध करने के लिए आंदोलन, कॉमन सिविल कोड के लिए आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ का आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन, कश्मीर के अंदर लाल चौक में झंडा फहराने का आंदोलन, हर एक आंदोलन के लिए शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद को प्रबल बनाने के लिए थी, राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए। जिस पार्टी पूरे विश्व के कल्याण के सिद्धांतों के आधार पर चलती हो, जिस पार्टी के नेता समर्पण, त्याग और सादगी के आधार पर अपना जीवन जीते हो, और जिस पार्टी के कार्यक्रम राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर बने हुए होते हो, वो पार्टी को कोई पराजय नहीं कर सकता, काल भी पराजित नहीं कर सकता। और हमारे ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं मित्रों, तो तीनों परिचय जो पार्टी के होते हैं, सिद्धांत,
नेताओं और कार्यक्रमों तीनों परिचयों में भारतीय जनता पार्टी और देश भर की पार्टियों के बीच में सबसे आगे खड़ी है। और हमारी पार्टी की एक और विशिष्ट 1650 पार्टियां इस देश में रजिस्टर हुई है, उसमें से कुछ एक दो पार्टियां ऐसी है जिन्होंने अपना आंतरिक लोकतंत्र संभाल कर रखा है। आज इस पार्टी में ऐसी स्वतंत्रता है, गुजरात के इसी एक बूथ पर बूथ के मंत्री नाते काम करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और इस पार्टी में ऐसी स्वतंत्रता है कि कोई बड़े घराने में जन्म लिए बगैर, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि के बगैर चाय बेचने वाला आम आदमी आज बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता। और मैं मानता हूं ये विशिष्टता आज भारतीय जनता पार्टी के अलावे देश की कोई पार्टी में नहीं, कोई पार्टी में नहीं। और इसका हमें गौरव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता एक ऐसी परंपरा के वाहक है जो नेताओं को लोगों के बीच में से उभर कर आने की स्वतंत्रता देता है। पार्टी का संगठन नेता बनने का प्लेटफॉर्म है, पार्टी का संगठन प्रतिभाओं को मौका देने का प्लेटफॉर्म है। ऐसी पार्टी के हम कार्यकर्ता है मित्रों। और मैं मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनेक गुना जिम्मेदारी बढ़ी है। देश में 12 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं और केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। और इसलिए हम विपक्ष में से थे उससे ज्यादा जिम्मेदारी आज हमारी है। देश की गरीबी के सामने लड़ाई करने की जिम्मेदारी आज भारतीय जनता पार्टी की है। देश को किसान को संपन्न करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश के मजदूर को अपना जीवन यापन सरलता से कर सके ऐसी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश को समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश को संस्कृत बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देश को शिक्षित बनाने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है।